महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा उन्होंने मंजूर कर लिया है। अब झारखंड के गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, विपक्षी जो पार्टी है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ, उनकी जो सहयोगी पार्टी है, लगातार राज्यपाल के बदले जाने की जो है सिफारिश कर रही थी, मांग कर रही थी। और इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यहाँ से अपनी नियुक्ति हटाए जाने के लिए उन्होंने पत्र दिया था, इस्तीफा दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर किया है। रमेश बैस जो हैं वो पहले झारखंड के गवर्नर थे, अब महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इनके अलावा 12 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले साल नवंबर में अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 राज्यपालों का इस्तीफा मंजूर किया है। इसमें भगत सिंह कोश्यारी के अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का भी नाम शामिल है। तो शिवसेना जो है इसे अच्छी खबर बता रही है और जश्न मना रही है। सुनिए उनके प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। आज सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की छुट्टी हो गई है, अब ये वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ये राज्यपाल हमें नहीं चाहिए। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं है। इन्हें वापस ले जाइए, ये जहां से आए उन्हें वहीं भेज दीजिए। हमारे लिए किसी नए राज्यपाल की व्यवस्था कीजिए। आज अच्छा लगा कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्णय के बाद ये पता चला है कि अब यह राज्यपाल हमारे राज्य में नहीं रहेंगे, अब नए राज्यपाल आएंगे। तो अच्छी बात है, इसके लिए हमने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हमने मांग की, हमने पत्र लिखे, बहुत कुछ किया। चलिए, देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए।